Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sujam D and this is my third video of chapter number 1 not for profit organization class 12 account. So in this video I am going to teach you how to prepare income expenditure account. In the second video I already discussed about and told you how to prepare about receipt and payment account. Now we are going to start how to prepare income and expenditure account with the help of receipt and payment account. जब आप receipt and payment account के help से ही आप क्या बना सकते हैं, आपका income और expenditure account बना सकते हैं. देखिए, आपको receipt and payment account यहाँ already दे देगा और उस receipt and payment account से हम लोग expenditure account मतलब income expenditure account बनाएंगे. बट साथ में ही हम लोग बैलेंस शीट को भी देखेंगे थोड़ा सा कि बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में तीन चीज पूछा जाएगा. पहला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट जो है एनजीओ में या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो बनाते हैं वो दो तरह का बनता है. एक को बोलते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट, एक को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को और बैलेंस शीट को. सबसे पहले From the following information, prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2021. आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका ये account कब close हो रहा है. 31st March 2021 मतलब कि आप देख सकते हैं ये जो format दिया हुआ है, जो receipt and payment account already दिया हुआ है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है. ये आप समझिए कि question की जैसा है, आपको already दे दिया है. पर ये जो 31st March 2021 जब account close होता है, जब financial year का closing year आता है, तो आपको यहाँ पे ये सारा चीजें दिया हुआ है. अब आपको ये बताना है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखाएंगे, इनकम में क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे. और याद रखिएगा हमेशा जो बैलेंस शीट बनता है वो दो तरह बनता है. अगर 21 क्लोज हो रहा है तो 20 का भी हम लोग लेंगे. 31 मार्च 2020 को आप ये भी देख सकते हैं 1 अप्रैल 2020. बात समझिएगा, जब भी कोई अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होता है, क्लोज हो जाता है 31 मार्च 2021 को. तो आपका एक दिन का अंतर मैटर नहीं करता है. आप 31 मार्च 2020 भी लिख सकते हैं, 1 अप्रैल 2020 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, समझते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे. देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है, कैश बैलेंस. कैश बैलेंस का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में कैश में पैसा है, हाथ में पैसा है 1 अप्रैल 2020 को. तो 1 अप्रैल 2020 को जो कैश में पैसा है वो बिल्कुल आपका एक तरह का रिसिप्ट है. और वो रिसिप्ट आपका इनकम तो नहीं है, पर वो आपका रिसिप्ट जो है आपका एसेट कहलाएगा. और 1 अप्रैल को अगर आपका हाथ में पैसा रहेगा तो आप उसको एसेट बैलेंस के एसेट साइड में दिखाएंगे. यहाँ पे 7200 क्यों दिखा है, क्योंकि ये आपका रिसिप्ट बिल्कुल है पर ये एसेट भी है. दिस इज कॉल्ड करंट एसेट्स. और करंट एसेट और फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट सब आपका एसेट में ही जाता है. आखिर 1 अप्रैल 2020 को क्यों गया, क्योंकि यहाँ डेट लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, मतलब ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है. अगला है लाइफ मेंबरशिप फीस. देखिए, जब भी कोई संस्था में कोई एंट्री करता है, कोई भी आता है, तो वो दो तरह का फीस देता है. एक बोलते हैं एंट्रांस फीस मतलब एडमिशन फीस, एक बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस. आप पे डिपेंड करता है आप संस्था जा रहे हैं या तो संस्था के लिए दो तरह का रिसिप्ट हो सकता है. अगर कोई इंसान आ रहा है तो उसको एंट्रांस फीस देगा या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस देगा. लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो बार बार एंट्रांस फीस नहीं देगा, वो एक बार ही देना चाहता है, मतलब वो पूरा जिंदगी भर के लिए संस्था से जुड़ना चाहता है. तो संस्था के लिए क्या हो जाता है, ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है. अब कैपिटल रिसिप्ट हमेशा और हमेशा लाइवटी होता है. साथ में ये भी देखना है कि इसमें कुछ डेट मेंशन नहीं किया, तो हम इसको ऑटोमेटिक ये डेट को मार के चलेंगे कि ये सारा फॉर्मेट अंदर जो भी दिया है वो 31 मार्च 2021 को दिया है. और लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटल रिसिप्ट होगा और संस्था के लिए क्या होगा, लाइवटी होगा. तो ये संस्था बिल्कुल लाइवटी में दिखाएगा, इस बैलेंस शीट में तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये 2020 का है और हम लोग को दिखाना है 2021. तो हम लोग यहाँ पे लाइवटी में लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है, तो ये है आपका 50,000 रुपया. याद रखिएगा हमेशा लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा संस्था के लिए लाइवटी होता है. अगला हो गया हमारा ये दो कंप्लीट. लोकल रेंट संस्था के लिए इनकम होता है, क्योंकि ये रिसिप्ट लिखा है. मान लीजिए कोई इंसान अपना कुछ सोना या कुछ भी पैसा उसका रिजर्व रखना चाहता है किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनजीओ में, तो एनजीओ उससे मांगता है रेंट के रूप में, लोकल रेंट के आपको लोकल रेंट में दीजिए क्योंकि हम आपके पैसा को सेव रख रहे हैं. तो ये एक तरह से क्या हो गया, इनकम हो गया. और आप इसको इनकम में दिखा सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा नीचे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऊपर में सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है. ठीक ना, यहाँ लोकल रेंट इनकम हो गया जो कि 22,000 हो जाएगा. अगला अगर देखिए तो एंट्रांस फीस बिल्कुल एंट्री फीस होता है और ये आपका इनकम ही है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसको हम लोग कह सकते हैं. तो एंट्रांस फीस आप इसको अच्छे से आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं. एंट्रांस फीस बिल्कुल आपके लिए एक रिसिप्ट हो गया संस्था के लिए. मान लीजिए कि आप ही संस्था चला रहे हैं तब आपके लिए बहुत आसान रहेगा.
अगला है सब्सक्रिप्शन चंदा, चंदा भी एक तरह का रिसिप्ट होता है, बट यहाँ पे बहुत सारा डेट मेंशन किया है, जैसे 19-20 आप देख सकते हैं, आपका जो करंट ईयर है 21 का है, और ये 19-20 क्या हो गया पिछले साल का हो गया, 20-21 क्या हो गया करंट ईयर का हो गया, 21-22 क्या हो गया आने वाले समय का हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा जो पिछले साल का है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहलाता है या ड्यू कहलाता है, और उसका जो पैसा है मतलब मान लीजिए कि पिछले साल का जो बकाया था सब्सक्रिप्शन चंदा लेना बाकी था कुछ मेंबर से, जो आपके संस्था में मेंबर बनता है बस वही चंदा देता है, तो पिछले साल का चंदा 14,200 बाकी था जो आप 2021 में रिसीव कर रहे हैं। फिर 2021 में भी बता दिया आपने रिसीव कर 3,46,000, और 2021 में क्या हो रहा है कुछ मेंबर जो है जो संस्था से जुड़ा है कुछ एडवांस में भी चंदा दे रहा है। मतलब चंदा तीन तरह का होता है, एक होता है पिछले साल का, हो सकता है इस साल रिसीव किए हो, और एक हो सकता है एडवांस भी कोई हमको मेंबर देते हैं। तो चंदा तो लेना ही है संस्था को, क्योंकि जो भी मेंबर बनता है संस्था का उसको चंदा देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 2020 का जो चंदा है हमको लेना है, देना नहीं है, अगर संस्था को लेना है तो वो उसके लिए एसेट बन जाता है, और ये 19-20 का है तो ये हमारा एसेट बन जाएगा, और हम इसे 19-20 का मतलब 20 में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का नाम से, और ये हम दिखा देंगे 14,200। आगे देखते हैं 20-21 में हमारा चंदा जो है 3,46,000 है, ये बिल्कुल इनकम है, आप इसको इनकम में दिखा सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो इनकम होगा, पिछले साल का होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, और आउटस्टैंडिंग हमको मिलना है इसलिए इनकम होगा। साथ में 21-22 का जो है वो आपका एडवांस में मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, देखिएगा जो पिछले साल का नहीं मिला वो मेरे लिए एसेट हो गया, पर जो एडवांस मिल जाएगा वो हमेशा लाइबिलिटी हो जाएगा, अगर ये एसेट्स है तो ये क्या है जी, तो ये लाइबिलिटी है, तो ये भी हमेशा 21-22 बोला है मतलब वो 21 में ही लिख करेगा, तो आप यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं, और आप अमाउंट दिखा सकते हैं 11,600। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे इसके बारे में याद रखें हमेशा। अगला है डोनेशन फॉर द स्विमिंग पूल, दो तरह का डोनेशन होता है, अगर कुछ भी बोले नहीं संस्था कि ये डोनेशन किस लिए दे रहे हैं तो आप उसको इनकम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर बोल दिया कि आपको ये डोनेशन दिया जा रहा है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, पवेलियन बनाने के लिए, तो ये संस्था के लिए एक तरह का लाइबिलिटी हो जाता है, मतलब कैपिटल रिसीट हो जाता है, और कैपिटल रिसीट हमेशा क्या होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में ही जाएगा, और साथ में इसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया, तो 21 में ही हम लोग दिखा देंगे कि डोनेशन हमारा यहां आ जाएगा, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल कितना है देखिए जरा, स्विमिंग पूल 2,00,000, हम यहाँ पे 2,00,000 डोनेशन दिखा दी बैलेंस शीट का। अगला है हमारे पास इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, पर ये रिसिप्ट टाइप में मतलब इंटरेस्ट आ रहा है तो ये आपका इनकम हो जाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो आप यहाँ पे इसको इंटरेस्ट यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट आप यहाँ लिख दीजिए, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा संस्था के 15,000। आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस, मतलब कि आपने न्यूज पेपर पढ़ा हुआ था, मैगजीन पढ़ा हुआ था, पुराना पढ़ा हुआ था, आपने भेज दिया, उससे मिसलेनियस इनकम हो गया, मतलब अन इनकम हो गया, एक तरह की इनकम है, आप उसको इनकम में दिखा दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मिसलेनियस रिसिप्ट है, आप मिसलेनियस रिसिप्ट को या इनकम बोलिए रिसिप्ट बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक इनकम हो गया। साथ में इनकम फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए संस्था कुछ किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है किसी कंपनी का या किसी चीज का भी, तो आपका वहां से इनकम होगा, और ये 12,000 का इनकम बिल्कुल रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, और आप उसको यहाँ दिखा देंगे, हमसे याद रखिएगा इनकम में हम लोग को हमेशा सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट आ गया, मतलब आपने किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर दिया होगा उससे आपको इनकम हो गया, या किसी प्रकार से अपना ही संस्था का भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा सारा रिसिप्ट खत्म हो गया, पेमेंट को आते तो रेंट है, रेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हम इसीलिए इसको एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, बट फर्नीचर परचेज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, फर्नीचर हमेशा एसेट से बिलोंग करता है, और एसेट्स हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो हमेशा एसेट बन जाता है, तो बिल्कुल फर्नीचर क्या है एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, और यहाँ पे भी डेट मेंशन नहीं किया, तो 2021 का बैलेंस शीट में जाएगा फर्नीचर परचेज 50,000 का, तो आप फर्नीचर परचेज करिएगा, फर्नीचर भी लिख सकते हैं, परचेज लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आप 50,000 यहाँ पे पुट कर दीजिए। इधर हो गया सैलरी है 2,40,000 रुपए जो कि रेगुलर नेचर का खर्चा होता है, तो आप यहाँ पे सैलरी दिखा सकते हैं कि आप संस्था में जो लोग काम कर रहा है आप उसको सैलरी दे रहे हैं, साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे सकते हैं, संस्था अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भी करा सकता है, तो उसके लिए वो खर्चा हो गया 12,000 का। आगे है टेलीफोन चार्जेस भी खर्चा है बिल्कुल, तो आप टेलीफोन चार्ज को भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, और साथ में आप जब भी पढ़े तो बुक को साथ में रखें ताकि आपको मेरे बात और भी अच्छे से समझ में आए, है ना। चलते हैं प्रिंटिंग भी खर्चा है, अगर आप किसी तरह का प्रिंटिंग कराते हैं तो भी खर्चे हैं 4,100 का। फिर इन्वेस्टमेंट परचेज बिल्कुल जैसे फर्नीचर परचेज किया था, इन्वेस्टमेंट परचेज भी एसेट्स जाएगा, और एसेट्स हमारा 3,00,000 का है, और वो हमेशा एसेट साइड में ही जाएगा,
देखिए 3 लाख का इधर चला गया, हमेशा याद रखिएगा कि इस बैलेंस शीट में वही जाएगा जो 1 अप्रैल 2020 का होगा। अगला है कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा 31 मार्च 2021 को, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस का कैश कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कैश इन हैंड के रूप में, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हमारा कैश बैंक हो गया 11,500। तो चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और याद रखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ रिसीप्ट इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट नहीं बोला है, बैलेंस शीट सिर्फ समझाने के लिए बोले हैं, समझाने के लिए बताए हैं ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए कि आखिर मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो वो तीनों क्वेश्चन पूछता है, दोनों दोनों बैलेंस शीट पूछता है। चलिए हमारे पास सारा कैलकुलेशन हो गया है, सारा इनकम जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 4,14,000 आ रहा है, और सारा एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे तो आएगा 3,22,300। आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करना है कि आपका इनकम में कितना है, एक्सपेंडिचर में कितना है, ताकि हम लोग डिफरेंट पता कर सके। और हमेशा याद रखिए जो ज्यादा रहता है वो दोनों तरफ दिखता है, मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर हम ये सारे को जोड़ कितना आ रहा है 3,22,300, अगर हम इससे घटाएंगे तो हमारा सरप्लस आएगा, सरप्लस मतलब फायदा आएगा संस्था का। सरप्लस तब आता है जब हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो, ओवर क्या हो, एक्सपेंडिचर हो, तभी हमारा सरप्लस आएगा। आप इसको बैलेंसिंग फिगर कह सकते हैं, और ये हमारा घटा के आएगा 78,500। जब आप इस अमाउंट से घटाएंगे मतलब सारे खर्चे से घटाएंगे, क्योंकि सारा जोड़कर इतना आ रहा है, और जैसे आप इस इनकम से घटाएंगे तो आपका सरप्लस आएगा, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो हमेशा इनकम ही होगा मतलब सरप्लस ही होगा। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे पास कैश इन हैंड है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दोनों को जोड़ देंगे तो कैपिटल फंड बनेगा। यहाँ पे कैपिटल नहीं लिख सकते हम लोग, कैपिटल फंड लिखना पड़ता है, और इस कैपिटल फंड को हम लोग बिल्कुल फाइनल बैलेंस शीट का कैपिटल फंड में दिखा देंगे यहाँ पे, और उसके साथ सरप्लस जो हुआ है उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कैपिटल फंड आपको ट्रांसफर करना है, साथ में उसमें सरप्लस जोड़ना है, क्या सरप्लस हमेशा कैपिटल फंड को बढ़ाता है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को जोड़ के मैंने बाहर कर दिया, फिर इधर जोड़े अगर दोनों साइड बराबर रहा तो आपका राइट आंसर है, नहीं रहा तो गलत आंसर है। तो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड मस्ट मेक इट इन योर फेयर कॉपी, आपके लिए बड़ी जरूरी है। और साथ में होमवर्क के रूप में याद रखिएगा आपको इलास्ट्रेशन नंबर 1 बनाना है और इलास्ट्रेशन नंबर 2 बनाना है, ये आपका होमवर्क है, आप जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं होगा, ठीक ना। सो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर, कोई दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, डिस्कस बिल्कुल किया करें, ठीक ना, और होमवर्क जरूर बनाए। थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड, मस्ट राइट दिस।